गया समझ में, लेकिन नहीं सब्जी आप के है नहीं तब आपकी योजना में निकाल लेगा बालवीर उन बच्चों को ऐसे जादू से। बेवकूफ, तौबा तौबा, ये मायावी कुआं, यहाँ किसी का जादू नहीं चलता, ना बालवीर का, ना परियों का, और ना ही मेरा। और एक बार जो इसमें गिरेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इसी में रह जाएगा। फिर शुरू होगी एक नई कहानी, बुराई की कहानी, दैत्यानी। तो बच्चों तैयार हो परी लोग जाने के लिए? हाँ वीर। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बालवीर जी, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय? कैसा अन्याय मोंटू? देखिए, आप इन 5 बच्चों को परिलोक लेके जा रहे हो, और तो आप मानो मेहर को भी लेके जा रहे हो, और हमें नहीं, तो ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? हाँ, we want justice, we want justice। ठीक है मोंटू रोहित केवल, मैं तुम तीनों को परिलोक लेकर जाऊंगा। शर्त पर। हाँ, तुम्हें कोई अच्छा काम करना होगा। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें परीलोक का निमंत्रण पत्र भी मिलेगा, और साथ ही साथ मैं तुम्हें लेने के लिए भी आऊंगा। ठीक है बालवीर जी, मैं जरूर कोई अच्छा काम करूंगा और परीलोक आके ही रहूंगा। थैंक यू बालवीर जी। ऑल द बेस्ट मोंटू, ऑल द बेस्ट। चलो मानो में है, चलो बेटा, एंजॉय, मजा करना। हाँ, थैंक यू बालवीर। हाय हाय हाय, बाय पापा। चलो बच्चों, अब हम नीचे उतरेंगे तो थोड़ा संभाल। हाँ। चलो वो देखो परिया। हाँ। चलो बच्चों नीचे आ जाओ। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो परिया, खुश रहो। थैंक यू, सॉरी, धन्यवाद। वाओ, कितना प्यारा है ना। हाँ? बच्चों, परियों ने आप सब के लिए विशेष वस्त्रों का प्रबंध किया है। उन्हें पहनने के बाद हम सबसे पहले रानी परी से मिलेंगे, और उसके बाद हम परीलोक के सम्मान समारोह में जाएंगे। वाह, ये! तो तैयार हो? हाँ वीर। वाह मोंटू बॉस, अब आप परीलोक जाओगे। वाह। लेकिन मुझे उसके लिए कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। क्या अच्छा काम करूं? रोहित केवल, कुछ सोचो ना। अरे इसमें सोचना क्या है बॉस, भूखों को खाना खिलाना अच्छा काम है। हाँ। और हम दोनों भूखे तो खिला तो मैं 2-3 डजन पिज्जा बर्गर। तुम दोनों भूखे नहीं हो, तुम दोनों बुक करो। क्या? मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे मेरे पापा के पैसे बर्बाद ना हो। क्या काम करूं?
रोहित केवल क्या करूं? रोहित केवल मिल गया अच्छा काम। वो देखो मैं उस अंधे आदमी को रास्ता क्रॉस कराऊंगा। चलो अंकल। हम आपको रास्ता क्रॉस कराते हैं। चलो 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 अंकल आ जाओ। अंकल हमने आपको रास्ता क्रॉस करके अच्छा काम किया ना। बड़े मुश्किल से रास्ता मैंने पार किया था, तुम वापस ले आए मुझे। सॉरी अंकल। खुश रहो बच्चों, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आइए बच्चों, परीलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। डुबा डुबा आप इन बच्चों को पूरे सम्मान के साथ सम्मान समारोह में लेकर जाइए। जी रानी परी। चलो बच्चों। रानी परी आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बालवीर बात ही चिंता की है। दैत्यानी जिंदा हो गई है। क्या परियो? महायुद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाद में ये मत कहना कि दैत्यानी ने चेतावनी नहीं दी। रानी परी परियो दैत्यानी यहाँ कर धमकी देकर गई और आपने मुझे बुलाया ही नहीं। आप मुझे बुलाते तो मैं तुरंत आ जाता। लेकिन बालवीर जब दैत्यानी यहाँ आई थी उस समय आप बच्चों को समारोह में लाने के लिए गए थे। हाँ बालवीर, और अगर आप बच्चों को छोड़कर आते तो बच्चे और दुखी हो जाते। हाँ बालवीर, हम बच्चों को दुखी नहीं देख सकते क्योंकि ये समारोह हमने बच्चों की खुशी और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजित किया है। लेकिन बच्चों की सुरक्षा का क्या? क्या रानी परी? हमने बच्चों की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर रखी है बालवीर। हाँ बालवीर, अब आप भी तो हमारे साथ हैं। आप, हम और हम सब मिलकर बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ बालवीर, और एक पल के लिए भी हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परियो इतना ही काफी नहीं होगा, हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पंचचक्रीय कवच बनाना होगा। हम अभी पंचचक्रीय कवच बनाते हैं। हाँ रानी परी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पंचचक्री कवच बना लेंगे तो फिर दैत्यानी या कोई भी बुरी शक्ति जल मार्ग, आकाश मार्ग या जमीन मार्ग से कहीं से भी परीलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हे लगा दिया रानी परी ने पंचचक्री सुरक्षा कवच। है लग गई परीलोक में बुराई के प्रवेश पर पाबंदी। अब नहीं जा पाओगी आप परीलोक में और नहीं कर पाओगी बच्चों का अपहरण। हो गया आपका कार्यक्रम समाप्त। तौबा तौबा, मैं पहले कह चुकी कि जो मैं कहती हूँ वो करती नहीं और जो मैं नहीं कहती हूँ वो मैं जरूर करती। परीलोक में प्रवेश करने का निमंत्रण पत्र तो परियां खुद मुझे दे चुकी है। क्या है आपका दिमाग तो ठिकाने ना है। नहीं परियां इतनी मूर्ख के दे दे आपको निमंत्रण पत्र परीलोक का और कहे आपको कि आओ आओ दैत्यानी, ले जाओ खुशी से बच्चों को उठा। तुम भी उन परियों की तरह बेवकूफ हो तौबा तौबा। याद है उस दिन जब गाल परी ने मुझ पर गुब्बारे से वार किया था, मैंने उसी गुब्बारे को इस दंड में कैद कर लिया था।
द्वारिका, खेलोगी उससे? खेलूंगी, और ऐसा खेल खेलूंगी कि सारी परियां दंग रह जाएगी। अब हम इस गुब्बारे में बैठकर परीलोक में प्रवेश करेंगे, और ये गुब्बारा तो अच्छाई का प्रतीक है, और अच्छाई को तो पंचचक्री सुरक्षा कवच भी नहीं रोक सकता। डुबा, बच्चों को अपने स्थान पर लेकर जाइए। जी रानी परी, आओ बच्चों। रोहित केवल, कुछ ऐसा आइडिया निकालो ना जिससे मुझे परीलोक जाने का इनविटेशन मिले। कुछ सोचो रोहित केवल, सोचो सोचो रोहित केवल, कुछ तो सोचो। क्या सोचो सोचो मंडू बॉस, आपके लिए एक अच्छा काम सोचने के लिए इतना मुश्किल है तो करने के लिए कितना मुश्किल होगा। अब छोड़ दीजिए परीलोक जाने का सपना। मंटू तक रितेश लगा नहीं, परीलोक जाएगा मतलब जाऊंगा 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 जाऊंगा। मिल गया आइडिया। क्या? बताता हूँ ना, बताता हूँ। बस एक छोटा सा काम करना, वो बच्चे खेल रहे हैं ना, अब जाओ और उनको खुश कर दो, वो खुश, फिर आपका परीलोक जाने का सपना पूरा। अरे वाह केवल, मैं अभी जाके बच्चों को खुश करता हूँ। बस रहने दो। क्यों? तू क्या बॉस, आपका चेहरा देखकर वो बच्चे खुश कम दुखी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब हमको भी तो चांस दो उनको समझाने का। ठीक है ठीक है, जाओ। इधर आओ इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे जल्दी, अरे आओ रे, अरे अरे ओके ओके ये। तुम लोग ने बच्चे लोग को ऐसे क्या बोला जो इतने खुश होकर नाचने लगे? हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, हमने बस इतना बोला कि मोंटू बॉस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो खुश हो जाए। उन्होंने कहा कि मोंटू हमें हमेशा मारता रहता है, तो क्यों ना आज उन्हें मौका मिले आपको मारने के लिए जिससे वो खुश हो जाएंगे। ये पागल है क्या? अरे बॉस बड़े लोग जाना है ना। तो मोंटू बॉस थोड़ी मार खा लो, खा लो खा लो। लेकिन 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 कुछ नहीं बॉस, जो बोला वैसा करो और सोचो। परीलोक, परिया, बादलों का राज, सामान तू बहुत सोचो। आक्रमण! हे उबे तेरी तो बस, परीलोक मारो, उबे सम्मान समारो। तुम सब पिद्दियों ने मुझे बहुत बजाया ना, अब मैं तुम्हें बजाऊंगा। आपका कुछ नहीं हो सकता।
मैं भी बालवीर सम्मान समारोह शुरू किया जाए। से पहले आपका मनोरंजन और करेंगे उसकी शुरुआत आसमान से चुलबुली तितलियां और नीचे जमीन से मां गजनी। अब हम इस गुब्बारे की मदद से पंचचक्री सुरक्षा कवच आसानी से पार कर जाएंगे। हाँ तो दे, चलिए है देर किस बात की, चलिए ले चलिए इस गुब्बारे को परिलोक। और साथ में हो जाएंगे हमारे पुर्जे पुर्जे।